नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पूरी जानकारी देंगे और इसी तरह का हाइड्रोजन आएगा, फिर हीलियम आएगा, फिर लिथियम आएगा। आप लोग शॉर्ट वीडियो से परिचित हो चुके थे कि 30 से 40 सेकेंड का मैंने एलिमेंट का हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के तत्वों का हमने आपको पढ़ा दिया था। लेकिन अब जो है ये लॉन्ग वीडियो है, यानी टोटल 3 से 4 मिनट का वीडियो है। 3-4 मिनट आप देखिएगा तो हाइड्रोजन के बारे में पूरी कहानी खत्म। फिर आएगा हीलियम, फिर आएगा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से सभी एलिमेंट के बारे में पूरी जन्म कुंडली के बारे में जानेंगे। और 2-3 मिनट में आप एकदम इस बात को लिखना, समझना, देखो क्या है, नहीं है, हाइड्रोजन क्या है, हीलियम क्या है, लिथियम क्या है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता हो जाता है। तो प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो मिलेगा और इसी समय पर मिलेगा। अगर साथियों हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो सबसे पहले अगर इसका संकेत की बात करें, संकेत यानी सिंबल, अगर इसका सिंबल की बात करें तो सिंबल हम लोग बोलते हैं एच। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें, यानी किसने खोजा, डिस्कवरी किसने किया, तो खोजकर्ता थे हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश साहब ने 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन का खोज किया था। याद रखिए, दो बात हम लोग सीख चुके हैं कि इनके खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश साहब थे, 1766 ईस्वी में है जो है हाइड्रोजन का खोज कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या की बात करें, यानी एटॉमिक नंबर की। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी एटॉमिक नंबर को हम लोग रोल नंबर भी कहते हैं कि हाइड्रोजन का रोल नंबर 1 है, यानी हाइड्रोजन पहला स्थान रखता है। उसके बाद अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का हो जाता है 1 ग्राम। और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 अगर हम लोग परमाणु संख्या देखें तो 1 है, और 1 के बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया, और एस सबसेल में जाने के बाद हाइड्रोजन को हम लोग एस ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। हम लोग जान चुके हैं कि हाइड्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का तत्व है, तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखा। उसके बाद हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में, याद ध्यान दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 हो जाएगा। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है उसकी संयोजकता यानी वैलेंसी भी 1 होता है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी वैलेंसी को हम लोग संयोजकता कहते। और जिसके बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, 1+ बना लेगा। यानी आप हाइड्रोजन के अगर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो इसका +1 भी होता है, 0 भी होता है और -1 भी होता है। अब +1 यहां पर आप देख रहे हैं, +1 चार्ज है तो +1 है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनाया। अगर कहीं धातु के साथ हाइड्रोजन है, जैसे मान लो लिथियम के साथ धातु LiH है, तो यहां पर इसका प्लस चार्ज हो जाएगा +1, इसका होगा -1, यानी ये चार्ज की बात कर दिए। अगर H2 है कहीं लिखा हुआ है तो H2 का एलिमेंट्री फॉर्म में चार्ज होगा 0। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन का +1 चार्ज भी होता है, 0 भी होता है और -1 भी चार्ज होता है। ये तो कहानी रहा कि आपको हाइड्रोजन के बारे में। इसके बाद अगर आ जाते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें, अगर हम समस्थानिक की बात करें, अरे भैया ध्यान दो भैया, आइसोटॉप्स की बात करें यानी समस्थानिक की बात करें, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं 3 होते हैं। समस्थानिक उसको कहा जाता है जिसका परमाणु संख्या सेम होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, यानी एटॉमिक नंबर विल बी सेम, एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट, सो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक आइसोटॉप्स। एक होता है 1 ग्राम वाला, एक होता है 2 ग्राम वाला और एक होता है 3 ग्राम वाला। हाइड्रोजन है, सबका परमाणु संख्या 1 होगा, इसको 1 ग्राम वाले को बोलते हैं प्रोटीरियम। क्या बोलते हैं, बोलो भैया, प्रोटीरियम। दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और तीसरा को बोलते हैं ट्राइटीरियम, ट्राइटीरियम। प्रोटियम का सिंबल H होता है, ड्यूटेरियम का D होता है और ट्राइटीरियम का T होता है। इन तीनों समस्थानिकों में से
ये जो आप देख रहे हो ये दोनों प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ये आपके अस्थाई होते हैं यानी अस्टेबल होते हैं, और ये आपके होते हैं अस्थाई यानी अनस्टेबल होते हैं, कौन 3 ग्राम वाला। इसीलिए इन दोनों में भारी आपका 2 ग्राम वाला है, इसीलिए भारी हाइड्रोजन के नाम से, भारी हाइड्रोजन जो कहा जाएगा, भारी हाइड्रोजन कहा जाता है ड्यूटेरियम को, और भारी हाइड्रोजन से बना जल भारी जल कहते हैं, और भारी जल का फॉर्मूला हो जाता है साथियों D2O। तो ये रहा हाइड्रोजन के समस्थानिक। लेकिन इसके बाद आप हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, हाइड्रोजन का पोजीशन भी देखेंगे कि जब आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को खोजने जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि चलो केमिस्ट्री पॉइंट में हाइड्रोजन है, जी नहीं, कॉलेज चौक पर हाइड्रोजन है, जी नहीं, तो उसका पोजीशन को भी देखेंगे। तो पहले ये इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन आपका सबसे हल्की तत्व है, सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की जो है ये तत्व भी बोल सकते हैं आप, सबसे हल्की गैस बोलेंगे, सबसे हल्की यानी लाइएस्ट गैस भी बोलेंगे। उसके बाद इसमें ना तो कोई स्वाद होता है, यानी आप ये बोलेंगे स्वादहीन यानी टेस्टलेस होता है, चखोगे कुछ नहीं होगा, रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है, उसके बाद गंधहीन होता है, ऑर्डरलेस होता है, समझ रहे हैं, ये सब बात को आप समझ रहे हैं। यानी सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन को ही बोलेंगे, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन को बोलेंगे, स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, यहां तक तो कोई दिक्कत। अब आइए इसके स्थान की बात करें, पोजीशन की बात करें, हाइड्रोजन का पोजीशन यानी आवर्त सारणी में इसका स्थान की बात करें तो क्या होगा। तो जब हाइड्रोजन के स्थान की बात करते हैं यानी स्थान यानी पोजिशन, पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होगा, तो इनके लिए आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चूंकि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, तो चलो भाई हम यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1s1, और इसके बाहरी कक्षा में ये जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग को साथियों इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप, और जो ये बाह्यतम कक्षा को दर्शाएगा ये कक्षा है, और इस कक्षा को हम लोग बोलते हैं बाह्यतम कक्षा यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो कक्षा को दर्शाता है वही आपका आवर्त होता है यानी पीरियड होता है। फिर से सुनिए एक बार कि जब आवर्त सारणी में जाएंगे तो दो तरह का वर्ग होगा, एक ये वर्ग होगा, ये आवर्त होगा, यानी ऊपर से नीचे जाओगे ये हमारा वर्ग कहलाता है और ये हमारा आवर्त कहलाता है यानी पीरियड कहलाता है। तो हाइड्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया 1s1, तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग को दर्शाता है। तो हम अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का पोजीशन अगर जानना हो, कोई अगर हाइड्रोजन के पोजीशन को जानने के लिए आए होंगे तो कहिएगा वर्ग 1 में हाइड्रोजन है और आवर्त भी 1 होगा, यानी हम लोग आवर्त भी 1 होगा और वर्ग भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो सो वर्ग की संख्या 1 हो जाएगा और आवर्त यानी बाह्यतम कक्षा भी 1 है, तो इसलिए आवर्त हम लोग 1। तो जब आप हाइड्रोजन को खोजने चलोगे तो आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इनको बोल देंगे। बताइए यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही हाइड्रोजन की कुछ कहानी, आप इनको याद रखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं हीलियम के साथ।